आज का सवाल पूछती हैं स्नेहा शर्मा। स्नेहा कहती हैं, सर स्त्रियों में काम वासना 8 गुना होती है, फिर भी हमेशा पुरुष ही बलात्कारी क्यों होता है? आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी स्त्री ने पुरुष का बलात्कार किया हो। और कहती हैं, जब संविधान महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार देता है तो हमेशा महिलाओं को ही क्यों दबाया जाता है? देखिए, हम लोग अक्सर किसी न किसी चीज़ से छुटकारा पाने के बारे में सोचते रहते हैं। आप जोर जबरदस्ती करके किसी चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ को छोड़ना चाहें तो यह किसी और रूप में उभर कर सामने आ जाएगी और आपके भीतर कोई दूसरा विकार पैदा कर देगी। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह चीज़ पूरी तरह से आपके दिमाग व चेतना पर हावी होने लगेगी। लेकिन उस चीज़ की तुलना में अगर आप कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को पालें तो पुरानी चीज़ का महत्व आपके लिए कम हो जाता है। महत्व कम होने से वह खुद ब खुद आपसे छूटने लगती है। ठीक ऐसा ही आजकल हमारे समाज में हो रहा है। हर पुरुष यह चाहता है कि वह काम वासना से दूर रहे। वह अपनी काम उत्तेजना को छुपाने के लिए इतनी जोर जबरदस्ती करता है जिसकी वजह से उसकी काम वासना और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और यह काम वासना उस पर इतनी हावी हो जाती है कि वह कुछ ना कुछ गलत कार्य कर बैठता है। इसलिए देखा गया है कि ज़्यादातर पुरुष ही बलात्कारी होते हैं। और आजकल लोगों की जानकारी में काम सुख ही सबसे बड़ा सुख है, यही काम वासना के तीव्र होने का कारण है। क्या कभी आपने जानवरों पर गौर किया है? जानवर हर वक्त इस बारे में नहीं सोचता। जब उसमें काम उत्तेजना पैदा होती है तभी वो इसके बारे में सोचता है, अन्यथा वह हर समय इस बारे में नहीं सोचता है कि कौन नर है और कौन मादा। जबकि इस पुरुष प्रधान समाज में यह हमेशा से नोटिस कराया जाता है कि कौन नर है और कौन मादा, किसके क्या अधिकार हैं और किसके क्या अधिकार नहीं हैं। यदि तुम पुरुष हो तो तुम कभी भी आ जा सकते हो, लेकिन अगर तुम महिला हो तो तुम्हारे लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा। आपको उसी समय बाहर जाना है और एक ठीक समय पर आपको वापिस आना है। इस प्रकार की विकारता किसने पैदा की समाज में? जब इस प्रकार का विकार हमने समाज में पैदा किया है तो उसका रिजल्ट कौन भुगतेगा? उसका रिजल्ट भी हम ही भुगतेंगे। आज के इस आधुनिक युग में कहते हैं आधुनिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन पुरुषों की सोच आज भी वहीं अटकी हुई है। आप किसी भी गली के नुक्कड़ या किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपको यह स्वाभाविक ही नज़र आ जाएगा कि कोई लड़का या कोई पुरुष किसी स्त्री को किन निगाहों से देख रहा है। आप हर जगह इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी जगह हो, पब्लिक प्लेस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। हर जगह आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो अपनी नज़रों से महिलाओं को खा जाना चाहते होंगे। देखिए, संभोग की अवस्था में स्त्रियों की कामवासना पुरुषों की कामवासना से 8 गुना अधिक होती है। यह सर्वविदित है। आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं यदि आप विवाहित हैं, क्योंकि संसर्ग की अवस्था में जहां पुरुष का अंत होता है वहां से महिलाओं का प्रारंभ होता है। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकता है, और यह बात प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कि कभी आपने किसी स्त्री को किसी नीम हकीम या बंगाली बाबा के पास शीघ्र पतन की समस्या के लिए जाते देखा है, या कोई ऐसा इश्तेहार देखा हो जिसमें किसी स्त्री की शीघ्र पतन से रिलेटेड कोई समस्या हुई हो? नहीं देखा होगा। इसमें केवल पुरुष के लिए ही इश्तेहार लगाया जाता है। केवल पुरुष ही है जो बंगाली बाबा किसी नीम हकीम अब्दुल्ला के पास जाता है और अपनी शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा पाना चाहता है। सिर्फ पुरुषों में ही ऐसी कमजोरी पाई गई है। ऐसा होने के बाद भी पुरुष ही बलात्कारी क्यों होता है? पुरुष कभी भी संसर्ग की अवस्था में स्त्री के समक्ष नहीं टिक सकता, यह बात आपको माननी ही पड़ेगी। आपने देखा होगा कोई भी पुरुष स्त्री को देखकर ऐसे उछलता है जैसे कि उसे पता नहीं क्या सुख मिल गया है। आपने सुना होगा अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात पुरुष को यह पता है कि वह स्त्री के समक्ष टिक नहीं सकता, फिर भी वह बड़े बड़े बखान जरूर करेगा। अब बात यह स्पष्ट होती है कि जब 8 गुना काम वासना स्त्रियों में होती है तो पुरुष ही बलात्कारी क्यों होता है? क्योंकि पुरुष में सहनशीलता नहीं है, लज्जा नहीं है। वह अपने आप को हमेशा सिर्फ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास सहन करने की क्षमता ही नहीं है। जबकि स्त्रियों में पुरुषों से 4 गुना अधिक सहनशीलता और क्षमता होती है, इसलिए वह अपने काम वासना को रोक लेती है, जबकि पुरुष ऐसा नहीं कर पाता।
यदि पुरुष अपनी कामवासना को रोकना चाहता है तो वह और ज्यादा तीव्र हो जाती है, क्योंकि वह बहुत अधिक कामवासना के बारे में सोचने लगता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई आपसे कहता है कि यह बुरी चीज है, इसे छोड़ दो, तो क्या वाकई आप इसे छोड़ पाएंगे? लेकिन अगर आप इससे भी बड़ी चीज का स्वाद चख लें, तब यह अपने आप आपसे छूट जाएगी। फिर इसे छोड़ने के लिए आपसे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने जीवन का थोड़ा सा समय ऐसी दिशा में लगाना होगा जिससे कि एक बड़ा आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन सके। अगर आपको जीवन में अपेक्षाकृत ज्यादा आनंदित करने वाली चीज मिल जाए, तो जाहिर है कि छोटे सुख की इच्छा अपने आप जाहिर हो जाएगी। देखिए, कामवासना आपके व्यक्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बेवकूफी भरी नैतिकता और इसे जबरदस्ती छोड़ने की कोशिशों में पड़कर लोग और ज्यादा कामुक हो गए हैं। आप जिसे मर्द या औरत कहते हैं, वह बस एक छोटे से शारीरिक अंतर की बात है, जो एक खास प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है। आखिर हमने शरीर के एक अंग को इतना अधिक महत्व क्यों दे रखा है? शरीर का कोई भी अंग इतना ज्यादा महत्व दिए जाने योग्य नहीं है। अगर शरीर के किसी अंग को इतना अधिक महत्व देना ही हो, तो महत्व दिमाग को दीजिए, ना कि जननांग को। दुर्भाग्यवश हर तरफ से मिलने वाली कुछ बेवकूफी भरी सीख, जैसे आपको पवित्र रहना चाहिए, आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इस तरह की सोच ने मामले को उल्टा कर दिया है। लोग सिर्फ इसी के बारे में सोचने लग गए हैं। अगर आप जीवन को वैसे ही देखें जैसा कि यह वास्तव में है, तो कामवासना आपकी जीवन में बस उतनी ही छोटी जगह पाएगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। तब यह आपके जीवन में इतनी बड़ी चीज नहीं रहेगी, और होना भी यही चाहिए। जगत के सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। जानवर हर वक्त इस बारे में ही नहीं सोचते, जब उनमें काम उत्तेजना पैदा होती है तभी वे इसके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वे इस बारे में कभी नहीं सोचते कि कौन नर है कौन मादा। सिर्फ हम इंसान ही ऐसा जीव है जो इस सोच में हर वक्त अटका हुआ है। एक पल के लिए भी इसे न भूल पाने की वजह उसमें भरी हुई वो मूर्खतापूर्ण सीखें और नैतिकता के पाठ हैं, जिनका जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर लोग जीवन को वैसा ही देखें जैसा कि यह वास्तव में है, तो बहुत से लोग इसमें पड़े बिना ही इससे बाहर आ जाएंगे। बात बहुत छोटी है, पर हम लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर इतना प्रभावशाली बना दिया है कि हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है, और जब यह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है तो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध लोगों से हो जाते हैं, और फिर एक पुरुष बलात्कारी कहलाने लगता है। देखिए, नशे ने आदमी की सोच को विकृत यानी गंदा कर दिया है। उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और उसके गलत दिशा में बहकने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। ऐसे में कोई भी स्त्री उसे मात्र शिकार ही नजर आती है। अभी तक की सारी रिपोर्टें देखी जाएं तो जो 85% मामलों में नशा ही प्रमुख कारण रहा है। हमारे देश में नशा ऐसे बिक रहा है जैसे मंदिरों में प्रसाद। आपको हर एक किलोमीटर में मंदिर मिले न मिले, पर शराब की दुकान जरूर मिल जाएगी। और शाम को लोग शराब की दुकान की ऐसी परिक्रमा लगाते हैं कि अगर वो ना मिली तो प्राण ही सूख जाएंगे। पुरुष ही बलात्कारी क्यों होता है? क्योंकि स्त्री देह को लेकर बने सस्ते चुटकुलों से लेकर चौराहों पर होने वाली छिछोरी गपशप तक और इंटरनेट पर परोसे जाने वाले घटिया फोटो से लेकर बेहुदा कमेंट तक में अधिकतर पुरुषों की गिरी हुई सोच से हमारा सामना होता रहा है। पोर्न फिल्में और फिर उत्तेजक किताबें पुरुषों की मानसिकता को दुर्लभ कर देती हैं, और वो उस उत्तेजना में अपनी मर्यादाएं भूल बैठता है, और यही तनाव ही बलात्कार का कारण होता है। ईश्वर ने नर और नारी की शारीरिक संरचना को भिन्न इसलिए बनाया कि संसार आगे बढ़ सके। परिवेश में घुलती अनैतिकता और बेशर्म आचरण ने पुरुषों के मानस में स्त्री को मात्र भोग्या ही निरूपित किया है। यह केवल आज की बात नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही मानसिकता है, जो दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। हमारी सामाजिक मानसिकता भी स्वार्थी हो रही है। फलस्वरूप किसी भी मामले में हम स्वयं को शामिल नहीं करते, और अपराधी में व्यापक सामाजिक अंतर पर डर नहीं बन पाता। तो स्नेहा जी, मैं आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।